दोस्तों, जब भी हम कभी पेटीएम का यूज़ करते हैं, जैसे किसी का रिचार्ज करना हो, किसी का बिल पेमेंट करना हो, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना हो या फिर वॉलेट में पैसे ऐड करना हो, तो हमें कैशबैक मिलता है। कैशबैक के रूप में हमें एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, उसको जब हम स्क्रैच करते हैं तो उसमें हमें पेटीएम कैशबैक पॉइंट या कह लीजिए पेटीएम फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो वो कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप उसी पेटीएम कैशबैक पॉइंट को या पेटीएम फर्स्ट पॉइंट को रिडीम कैसे कर सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से नीचे करके आना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैशबैक एंड ऑफर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहां पर देखिए, आपने जो स्क्रैच कार्ड आपको मिला होगा, उसको स्क्रैच करा होगा, तो इस तरीके से आपके कैशबैक पॉइंट आपके सामने नजर आएंगे। तो आपको कैशबैक पॉइंट को रिडीम कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आपको कैशबैक पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। अब आप ये जो कैशबैक पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप रुपए में भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी रिडीम कर सकते हैं। और इसमें कई सारे वाउचर दिए गए हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। जैसे आप जैसे मिंत्रा में शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपको ₹200 ऑफ हो जाएंगे, आपको उसका ऑफ़र मिलेगा। और कई सारे फ्रेंड देखिए, फ्लिपकार्ट, स्विगी, इन तरीके की गिफ्ट कार्ड में आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो आज हम बताते हैं आप इसको रुपए में कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है पेटीएम गिफ्ट वाउचर ₹10 1000 पॉइंट के। उसी तरीके से फ्रेंड देखिए, अगर ₹50 आपको विड्रॉ करने हैं तो आपको 5000 पॉइंट स्पेंड करने होंगे। तो आपको इसके लिए 5000 पॉइंट इकट्ठा करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो 5000 पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसको ₹50 में विड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5000 पॉइंट लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा अवेलेबल फॉर 5000 पॉइंट्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से सर्चिंग चलने लगेगी। और यहाँ पर देखिए लिख कर आ गया है रेस 50 पेटीएम गिफ्ट वाउचर एट पेटीएम। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पासबुक का, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके पेटीएम बैलेंस में ये ऐड हुआ है या फिर नहीं। और यहाँ पर रिडीम मोर पॉइंट्स पर क्लिक करके अगर आपके और पॉइंट्स हैं तो आप उसको भी इस तरीके से रिडीम कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम व्यू पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो पेटीएम वॉलेट है उसमें ₹50 ऐड हो चुके हैं। देखिए गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारे जो गिफ्ट वाउचर है उसमें ₹50 ऐड हो चुके हैं। अब आपको ये जो पैसे मिले हैं आप इससे अपने मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं, किसी दूसरे के मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं, किसी को आप इसको सेंड कर सकते हैं या फिर किसी शॉप पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आप पेटीएम फर्स्ट पॉइंट को रिडीम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।